कितने अच्छे लग रहे हैं आप। अच्छा पता ही नहीं लगता ये कमर थोड़ी देर में कब नीचे आ जाएगी, अभी देखना अपने आप ही आ जाती, लटक जाती, पता नहीं लगता। अब आप सीधे बैठे हैं, अब आप मेरी बात सुनिएगा, आपको सुनने में चेंजिंग महसूस होगी। कमर सीधी रख के कोशिश करिएगा, पढ़ जब भी पढ़ाई करें, जब सांस लें 5 मिनट भीतर बाहर, उसके बाद पढ़ाई शुरू करिए। तो ब्रीदिंग आपकी कंट्रोल में है, हनुमान चालीसा के साथ है, या और कोई आपकी प्रेयर हो, खाली न करिए, ब्रीदिंग के साथ करिए। एक बार भीतर इनहेल किया, एक बार एक्सहेल किया, आप फर्क पाएंगे। उसके बाद आपकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरी प्रॉब्लम है मेमोरी लेवल। कई बार हम याद कर लेते हैं लेकिन जब काम आता है तो भूल जाते हैं। याद कर लिया और एग्जाम में गया काम से। अच्छे अच्छों को एग्जाम के, क्योंकि ध्यान रखिए एजुकेशन जो है सिर्फ नॉलेज नहीं है, इट्स अ टेक्निक। एग्जामिनेशन एक टेक्निक है दोस्तों, और आपको मालूम होना चाहिए आपने क्या पढ़ा है। यदि आपको टेक्निक नहीं मालूम है कि जिस दिन उसको एग्जाम में प्रेश करना है तो आप गए काम से, और वो टेक्निक आपको ब्रीदिंग से आई। इसलिए हर स्टूडेंट पढ़ने के पहले 5 मिनट गहरी सांस ले, छोड़े सांस ले। यदि आपने खाना खाया हुआ हो तो न करें, लेकिन आधे पौन घंटे एक घंटे का गैप रखिएगा। और ऐसे करने के बाद जब आप पढ़ेंगे, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये जो मन भाग रहा है ये सांस ब्रीदिंग से कंट्रोल में आ जाता है। आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, फिर इधर उधर नहीं जाएगा, और आप जो याद करेंगे वो याद रहेगा, और आप फिजिकली फिट रहेंगे। इसलिए ऐसा करके देखिएगा। हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है बच्चों, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, तो आप फ्यूचर को देख के प्लानिंग करिए, अभी से क्या बनना है तय करिए, और बनना ही है, हर हाल में अचीव करना है। दूसरी बात, टाइम को किल मत करिए। तीसरी बात, आलस से छोड़ दीजिए। चौथी बात, अपने पेरेंट्स अपने टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट करिए। आपको मालूम नहीं वहां से जो रेज आ रही है आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। और पांचवी बात, प्रेयर करें, हनुमान चालीसा करें, मेडिटेशन और योगा के साथ करें, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आइए मैं आपकी बात खत्म करूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरी बात को नोट कर लेना, कहीं कोशिश करना करने की। एक छोटी सी कहानी आप, यस वेरी गुड, बैठिए। इनका सवाल है कि क्रॉस करके करेंगे तो, ऐसा बहुत अच्छा साइंटिफिक इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आप ऐसे करें तो भी आपको रेज मिलेगी, आप ऐसे करें तो भी रेज मिलेगी, लेकिन ऐसे करने का एक एडवांटेज, ऐसे करने से, क्रॉस करने से एक एडवांटेज आपको साइंटिफिक ये है कि हमारी बॉडी का आधा हिस्सा जो है ये लेफ्ट साइड चंद्र स्वर कहलाता है, मून स्वर, और जो राइट साइड है ये सूर्य स्वर है। ये थोड़ा हॉट है, लेफ्ट थोड़ा कोल्ड है। तो आप इसको क्रॉस करके जब लेते हैं तो आपकी बॉडी को और बैलेंस मिल जाता है, ये इसके पीछे का साइंस है। बहुत अच्छा सवाल था, आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे कहीं और जाके टाइम पे बोलना है, मैंने आपसे 35 मिनट मेरे हो गए, 2 मिनट में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक बाप को, पिता को अपने 3 बेटों के बीच में अपनी जायदाद बांटना था। जायदाद समझते ना, धन दौलत बांटना, इसको इतना देना, इसको इतना देना। तो उस पिता ने सोचा कि मैं पहले परीक्षा ले लूं कि कौन लायक है, उसको दूंगा मैं। 3 बेटे थे तो उसने एक एक मुट्ठी बीज अपने 3 बेटों को दे दिया, बीज मतलब सीड्स, और उनसे कहा कि मैं 2 साल के लिए बाहर जा रहा हूं, जब लौट के आऊंगा तो तुमसे इस एक मुट्ठी बीज का हिसाब मांगूंगा। बाप चला गया।
बड़े बेटे ने सोचा कि पिताजी ने एक मुट्ठी बीज दिया है और जब लौटेंगे तो हिसाब मांगेंगे, तो एक काम करते हैं तिजोरी में लॉकर में रख देते हैं संभाल के, आएंगे दो साल बाद तो निकाल के दे देंगे। जो बीज वाला छोटा बेटा था, मछला जिसको कहते हैं, उसने सोचा बीज का क्या करें, तो बोले बेच देते हैं। मार्केट में गया, एक मुट्ठी बीज बेचा, उसका पैसा ले आया और सोचा दो साल बाद पिताजी को दे देंगे। लेकिन जो तीसरा था छोटा, उसने कहा बीज का क्या करना है, तो उसने पीछे उसके मकान की जमीन थी उसमें गाड़ दिए। दो साल बाद उनके पिता लौट के आए तो पिता ने बड़े से पूछा क्या किया, तो उसने तिजोरी खोली, लॉकर खोला, बीज निकाला और बीज सड़ गए थे। और उसने अपने पिता से कहा आपने दिया, मैंने तिजोरी में रख दिया। तो पिता ने कहा तूने बीज संभाल के तो रखे पर तुझे संभालना नहीं आया, ये तो सड़ गए। दूसरे से पूछा तूने क्या किया, उसने कहा क्या करता, बाजार में बेच आया और इतना पैसा ले आया। तो उन्होंने कहा अरे तुझे भी संभालना नहीं आया, तू बेच तो आया पर तू उसकी कीमत नहीं समझ पाया। तीसरे से पूछा तूने क्या किया, तो उसने कहा बीज का क्या करना है, बीज एक संभावना का नाम है, बीज एक फ्यूचर का नाम है, बीज में कोई वृक्ष छुपा है छोटा सा लेकिन एक दिन पेड़ बनेगा, तो मैंने उसको गाड़ दिया। और आइए पीछे एक बहुत अच्छी फुलवारी बन गई है, कुछ पेड़ उगाए हैं, कोई फसल आ गई है। तब बाप ने कहा ये तूने ठीक किया, बड़े को संभालना नहीं आया, छोटे ने बेच लिया, लेकिन सबसे छोटा जानता था बीज का सबसे अच्छा उपयोग क्या करना, और उसने कहा तू लायक है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, ये परमात्मा ने, आपके माता पिता ने आपको एक एक मुट्ठी बीज आप ही के रूप में दिया है, आप बीज हैं बच्चों। अब आपके ऊपर है कि आप किसी तिजोरी में रख के इसको सड़ा लीजिए, किसी बाजार में अपने को बेचाइए, या कोई ऐसी फसल उगाइए कि लोग आपको देख के कहें ये संस्कार वैली में पढ़ा हुआ बच्चा है, आज इतनी बड़ी पोस्ट पे है, ये उस बच्चे माता पिता की औलाद है जिसको लोग गर्व कर सकें। अपने आप को आपको बहुत बड़ा वृक्ष बनाना है, इस बीज को अच्छी सी जमीन पे गाड़िए और कुछ फ्यूचर में बन के दिखाइए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, इतने सुंदर स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, आप जिंदगी में जो चाहें आपको मिले, आप बने। दुनिया गोल है, छोटी सी है, हम फिर कभी किसी मोड़ पे ऐसे ही आपसे मिलेंगे। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपके प्रिंसिपल साहब, आपके डायरेक्टर मिसेस ज्योति अग्रवाल और जितने टीचर्स यहाँ हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप बच्चों को मैं नमन करता हूँ। मेरी बात को ध्यान से कोशिश करिएगा जितनी कर सकें, आपको बड़ा फर्क लगेगा। एक काम बच्चों जिंदगी में जरूर करते रहिएगा, जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए ना। अरे देखिए हमारे हनुमान जी का एक कायदा है, आप हनुमान जी के दोस्त बन जाइए, हनुमान जी आपके साथ रहेंगे। जब कभी ईमानदारी से आंख बंद करके याद करोगे पता नहीं किस शक्ल में आ जाएंगे। और हनुमान जी कहते हैं स्ट्रगल करो, खूब पढ़ो, खूब काम करो, सुबह हो कि शाम हो, अपनों से मिले कि गैरों से मिले, घर में हो कि बाहर हो, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। हाँ मैं आप ही से कह रहा हूं, अरे कह रहा हूं भैया मुस्कुराइए ना, कोई दिक्कत है क्या? यहां से वहां तक एक दूसरे को देख के मुस्कुराइए, जैसे ही आप मुस्कुराते हैं भगवान मुड़ के आपकी ओर चलने लगता है। मुस्कुराना मत छोड़िएगा, कोई भी हालत हो मुस्कुराते रहिए। मैं आपसे इजाजत लेता हूँ।